20 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव का मतदान होने वाला है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए है शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के सांसद अरविंद सावंत जी। सर, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। 20 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव का मतदान होने वाला है। हम देख पा रहे कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत जैसे वरिष्ठ नेता अनेक सभा ले रहे हैं। लोगों का माहौल क्या है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है शिवसेना यूबीटी को? आपने देखा होगा, आपने प्रकाशित भी किया, प्रदर्शित भी किया होगा, जितनी भी रैली आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की या आदित्य ठाकरे साहब की जो हुई, लोकसभा चुनाव के लिए जब रैली होती है तो 6 विधानसभा का क्षेत्र एक रैली होती है। अब विधानसभा की रैली में लोकसभा के चुनाव के से भी ज्यादा लोग उपस्थित है और माहौल पूरे महाराष्ट्र में महायुति के खिलाफ है और वो आदरणीय उद्धव जी के साथ में, शरद पवार साहब के साथ में, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, कांग्रेस हो, सभी जो हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी बनाई है उस महाविकास आघाड़ी के साथ में है। माहौल बड़ा मतलब एकदम एनर्जेटिक है इस वक्त। सर, आप बता रहे हो कि एनर्जेटिक है। मुंबई के बारे में हम बात करेंगे। मुंबई में 36 विधानसभा क्षेत्र है। शिवसेना यूबीटी वर्सेस कई जगहों पे एमएनएस के भी कई उम्मीदवार जो है वो स्ट्रेट फाइट दे सकते हैं। कितना इसका नुकसान जो है एमएनएस के कैंडिडेट से शिवसेना यूबीटी को? कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली जो हमने भूमिका क्या ली है वो ध्यान में रखी है। हमारी भूमिका है महाराष्ट्र को स्वाभिमानी महाराष्ट्र फिर से बनाना, महाराष्ट्र को स्वावलंबी बनाया। जिन्होंने महाराष्ट्र से आने वाले सारे इंडस्ट्रीज भगाकर गुजरात में लेकर गए और जो उनके साथ में है, भगाकर लेके जाने वाली सत्ता पक्ष में जो महायुति है और महायुति के साथ में जो भी है वो सभी महाराष्ट्र के द्वेषी है और महाराष्ट्र देशी लोगों के साथ में महाराष्ट्र की मतदाता ईमान नहीं रखते, महाराष्ट्र की मतदाता ईमान रखते हैं, जो महाराष्ट्र का भला चाहता है, महाराष्ट्र का सुरक्षा चाहता है, महाराष्ट्र की प्रगति चाहता है, वो हमारे साथ है। क्या लगता है सर, मुंबई से शिवसेना यूबीटी के कितने सीट्स आ सकते हैं ओवरऑल? महाविकास आघाड़ी जो आंकड़े बताने से फायदे नहीं, 22 खड़े किए, 22 के 22 आएंगे, क्या क्या बात है? फिर देखो आप, मजा आएगी। देखो चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, आंकड़े क्यों बताना है? जब लड़ रहे तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीतेंगे। सर, दूसरी तरफ हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह है, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी है, ये जो स्टेट्समैन कर रहे योगी आदित्यनाथ हो, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, क्या लगता है इसका सब फायदा या नुकसान? अच्छा हो गया आपने ये सवाल पूछा। पहली बात ऐसे कि चुनाव किसका है? महाराष्ट्र की विधानसभा का। आम जनता की समस्याएं क्या है, उनका दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है, उस परेशानी के बारे में या उसके ऊपर के इलाज के बारे में न तो आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते, न अमित शाह जी बोलते, न देवेंद्र जी बोलते, हरेक वो हिंदू मुस्लिम उनका जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है वो कोशिश वो कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। पूरा सरकार अपयशी बोलते हैं, सरकार असफल है, केंद्र की सरकार भी असफलता है। आज क्या है बताओ, लहसुन का भाव 5 रुपये किलो हो गया, ये महंगाई की बात करते हैं क्या? देखो तूर डाल हो, डाल हो, गैस हो, हर एक चीज महंगा है, महंगी होगी। प्याज हो, 80 रुपये किलो प्याज है। आप सोचिए, ये सारी समस्या के बारे में कुछ नहीं बोलते हिंदू मुस्लिम, कटेंगे तो बटेंगे, कौन पूछता है तुमको? कोई नहीं कटने वाला, कौन काटने वाला है? अगर काटने की बात करते हो तो तुम सत्ता में क्यों हो, क्यों सत्ता में हो? फिर डबल इंजन की बात करते हो, फिर भी लोग काटेंगे हमें, कौन काटने वाला है? कोई नहीं काटने वाला, ध्यान में रखना। उल्टा डट के खड़े रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इतना ध्यान में रखना। सर, आप कह रहे कि महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सरकार जो है मायूती की, उन्होंने लाड़की बहन स्कीम लाई है जिसमें 1500 रुपये भी दे रहे। बोगस लोग है, बोगस। 2.5 वर्ष में चुनाव के समय याद आया क्या लाडली बहन? लाडली बहन को क्या दे रहे आप? आपका वादा क्या था, जरा अमित शाह साहब को पूछ लीजिए। वादा तो 15 लाख का था, उस वक्त तो अध्यक्ष थे पार्टी के, 15 लाख का वादा था। और बाद में उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, तो जुमलेबाज लोगों से क्या विश्वास की बात करते हो? हर मतलब
दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर एक जन झूठ बोलता है। सुबह हनुमान जी के नमस्कार करते हो, कहते झूठ बोलने वाला हूं, जरा माफ कर देना, रोज झूठ बोलते रहते। एक एक दिन तो सच बात बताओ। देश की सुरक्षा के लेकर महिलाओं की सुरक्षा तक हर बात झूठ बोलते हैं लोग। झूठ बोलना उनका आदत है। अब तो लोगों को पहचान भी हुई, जान भी हुई, समझ भी आया लोगों ने कि बीजेपी क्या चीज है, समझ गए लोग। तो दूसरा सवाल ऐसा है, अमित शाह की जो सभा हुई है महाराष्ट्र भर, उसमें उन्होंने डायरेक्ट उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा है कि वक्फ बिल और आर्टिकल 370 पे उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड है। आप हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिवसेना का क्या स्टैंड है। ये तो बहुत हास्यास्पद सवाल है। अरे भैया, मैं महायुति का सांसद था, तभी चुनकर उसी में गया था ना, बाद में मैं तो मंत्री था, कैबिनेट मंत्री था। 370 धारा जब रद्द कर दी गई तो उस कैबिनेट में मैं मौजूद था और सबसे ज्यादा बेंच मैंने बजाया है। एक तो पहली बात है, दूसरी बात है, इनका जन्म भी नहीं हुआ था राजनीतिक क्षितिज पर। ना आदरणीय प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था, ना अमित शाह जी का जन्म हुआ था राजनीतिक क्षितिज पर इतना बड़े तौर पर। तब वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने 370 धारा खत्म करने की बात की। वो विषय को लेकर शिवसेना उस वक्त से लेकर जब तक ये धारा खत्म नहीं होती तब तक लड़ते रहे। क्यों खत्म करना चाहते थे? दो चीज थे कि जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आए और हमारे जो हिंदू बांधव वहां से विस्थापित हुए उनको पुनर्स्थापित करने की बात थी। क्या किया आप लोगों ने 370 धारा खत्म करके? एक हिंदू पुनर्स्थापित हुआ? आज हमको सवाल पूछते हो? हम तो साथ में तभी भी थे। अब रही वक्त बिल की बात, वक्त अमेंडमेंट बिल पर हमने एकदम से बताया गलत काम कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने वाली बात। वो बहुत सारे मुद्दे हैं उस कमिटी पे हूं मैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में सारा ऑपोजिशन इकट्ठा है, उसमें शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी भी है। क्यों जान क्यों मुसलमानों को तंग करने की बात कर रहे हो आप? भाई न्यायिक बात क्या है? गलत काम किया था ना, तो 1995 एक्ट में है ना 6 बरस की सजा, जुर्माना। आपने तो 6 बरस की ऐसी हवा साजब डाल दिए, नए अमेंडमेंट में डाल दिए। क्यों क्यों? अगर उसने पैसे खाए हैं, उसने गलत काम किया है, अल्लाह के नाम पे जो प्रॉपर्टी दे दी है वो मुसलमानों के संविधान क्या कहे, प्रगति के लिए, शिक्षा की प्रगति हो, महिलाओं का सक्षमीकरण हो, इसके लिए इस्तेमाल करना है। कुछ लोग गलत थे, वो गलत लोगों के बारे में कानून बनाना है, वो तो पहले भी था, उसके लिए तो हम समर्थन करते ना कि भाई अल्लाह के नाम पे समर्पित की हुई प्रॉपर्टी का कोई गलत इस्तेमाल करे वक्फ बोर्ड के माध्यम से तो गलत है। लेकिन बाकी सारी चीजें इतनी झूठ बोलते थे वो, कितना झूठ बोलते हो आप लोग, वहां भी झूठ बोल रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्यों, किस लिए? पहला सवाल है नाम क्यों बदलना चाहते हो? दूसरा सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल पे, वक्फ बोर्ड पे गैर मुसलमानों की मांग कर रहे हो बोर्ड पर, तो वही मांग बाकी लोग भी करेंगे, तब क्या करोगे? तो झगड़ा लगाने की बात है नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते, झूठ बोल रहे। सर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई शिवाजी पार्क में, उसमें उन्होंने ऐसा कहा है कि शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे का रिमोट कंट्रोल जो है वो भी दिल्ली के हाथ में है, और क्या वो राहुल गांधी से वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में कह सकते हैं क्या राहुल गांधी? बात पहली बात ऐसे, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। इतना प्यार, हमारे मराठी में कहावत है पुतना मावशी, इतना प्यार आया वंदनीय बाला साहब के बारे में, याद आई 2014 के पहले आप आए थे बीकेसी में, एक रैली को संबोधित करने आए थे माननीय मोदी साहब। उस वक्त वंदनीय बाला साहब इस विश्व को छोड़कर गए थे, आप ना तो मातोश्री पे गए, ना उस सभा में, ना पूरी सभा में वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम भी आपने नहीं लिया। ये 2014 के लोकसभा के पूर्व की बात कर रहा हूं, जबकि बाला साहब नहीं थे। उसके बाद में भी, चुनाव जीतने के बाद भी दोबारा एक मीटिंग हुई,
उस वक्त भी वंदनीय बाला साहब का नाम आदरणीय मोदी साहब के मुंह से नहीं आया था। आज दिन रात बाला साहब करते हो, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब कहो, सिर्फ बाला साहब मत कहो, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की याद करते हो, तब उस वक्त क्यों नहीं याद आ रही थी? बचाया किसने आपको? अरे आपको बचाया वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने बचाया। अगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी आपको निष्कासित कर रही थी, पार्टी से निकाल रही थी, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनको सुरक्षा दे दी। और उस वक्त का रिश्ता कैसा था कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वंदनीय बाला साहब को फोन करके पूछा कि एक समस्या खड़ी हुई है, मैं आदरणीय अडवाणी साहब को भेज रहा हूँ। अडवाणी साहब मुंबई में आए, वंदनीय बाला साहब से मिले, आदरणीय अडवाणी जी और वंदनीय बाला साहब दोनों साथ में बैठे और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने तय कर लिया है। उस वक्त का एक वाक्य और एक याद दिलाता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था राजधर्म का पालन हो। किसको कहा था? मोदी जी को ही कहा था ना। तो बचाया किसने? आज तुम्हें याद आ रही है वंदनीय बाला साहब की, और इतनी याद आती है तो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने निर्माण की हुई शिवसेना का ध्वस्त करने की कोशिश की कौन कर रहा है? 2014 में गठबंधन किसने तोड़ा? हमने क्या? आपने 2014 की महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में 6 महीने हुए थे लोकसभा के चुनाव जाने के बाद, आपने 27 रैली या महाराष्ट्र में ली, किसके लिए ली? किसको मार रहा था? कांग्रेस तो उस वक्त पूरी ध्वस्त हुई थी, 44 भी नहीं आए थे, तो किसको मारने आए थे भैया, किसको हराने आए थे? शिवसेना को ही ना। आपका 100% का नारा है ना, वो जहरीला नारा है, वो नारा यशस्वी करने के लिए कोशिश कर रहे थे आप। आप वंदनीय बाला साहब का नाम दिन रात ले रहे हो, तो जिसकी जिन्होंने शिवसेना निर्माण की, या उस वक्त महाराष्ट्र में क्या थी भारतीय जनता पार्टी? कहां थी? दो विधायक, एक का दूसरा सांसद आया तो आया, ये वंदनीय बाला साहब के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी, यार कार्यालय नहीं था तुम्हारा 85 में, मैं सोलापुर जिला था, भारतीय जनता पार्टी कहां थी? एक नागपुर का केंद्र छोड़कर भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। वंदनीय बाला साहब ने यही प्रमोद महाजन जी, यही मुंडे जी, उनके साथ में एक प्यार जताया, एक रिश्ता बना, एक रिश्ता आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब का भी इनके साथ में बना, वो रिश्ता आपने निभाया, अपनी शिवसेना को ध्वस्त करने की कोशिश की। आज पैरों तले जमीन हिल रही है तब जाके याद आ रहा है, तब जाके याद आ रहा है। रिमोट कंट्रोल की बात करते हो, अरे जब आपके साथ में थे तब भी आपका रिमोट कंट्रोल हमने नहीं माना, आदरणीय उद्धव साहब ने कल ही तो कहा, जब आपके साथ में थे तब भी आपका रिमोट कंट्रोल नहीं माना, आज क्या बात करते हो? कहीं भी हो, शिवसेना इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, मानवतावाद को लेकर जा रहे, हिंदुत्ववाद में क्या है? आदरणीय उद्धव साहब कहते हैं मुंह में राम और हाथ को काम, यह हमारा हिंदुत्व है, समझ लेने की कोशिश करो। दीवारें खड़े कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो, ये तो काम करते हो ना, हम जुड़वा रहे हैं सबको, जोड़ रहे हैं सब, देश के खिलाफ जो भी हो, वो हिंदू हो मुसलमान हो, करलकर कौन था? आपका आरएसएस वाला है ना, उसके बारे में क्यों भी नाम नहीं याद नहीं आते क्या? बाकी लोगों की याद बराबर आती है, समझ लेने की कोशिश करो। सर मेरा अगला सवाल है आपसे, अनेक बहुत वर्षों से आप राजनीति में हो, राजनीति देख रहे हो, पूरे महाराष्ट्र हो, देश भर की राजनीति, आप खुद सांसद हो, तीसरी टर्म है आपकी, अभी के राजनीति में जो भाषा वापरी जा रही है इस इलेक्शन में, क्या लगता है जो लेवल है लैंग्वेज का वो नीचे आ चुका है स्तर? बहुत ही नीचे, वो वहां से शुरू हुआ है देश के प्रधानमंत्री जी से, स्तर भाषा का इतनी नीचा गया कि पूछो मत, दर्द होता है अभी। मणिपुर की बात आई, आज तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के बारे में संवेदना जताई है, आज भी मणिपुर जल रहा है, देश के सीमाओं पर एक राज्य है, सीमाओं पर स्थित राज्य में आज भी आग लगी है,
पिछले 4 दिन पहले आदिवासी महिला पर अत्याचार करके जलाया गया। अगर यही दूसरा राज्य होता क्या वो मुख्यमंत्री बैठ सकता था? क्या राष्ट्रपति का शासन नहीं लगता? अपना राज्य बस चलने दो, कानून नहीं मानते हो, संविधान नहीं मानते हो। संविधान को तो आपने धज्जी उड़ा दी है। सब संस्थाएं गुलाम, न्यायिक संस्थाओं से लेकर सारी संस्थाएं गुलाम है आपकी, उनके इशारे पे काम करते हैं, संविधान के तहत काम नहीं करते। अगर संविधान के तहत काम करते तो चंद्रचूड़ जी हमें न्याय देते, न्याय नहीं दे पाए। हतबल चंद्रचूड़ जी थे, क्यों न्याय नहीं दे पाए 2.5 वर्ष में? आप सोच लो, उन्होंने इतने स्ट्रिक्चर्स पास किए, पूछो मत। उन्होंने राज्यपाल कोश्यारी के बारे में तो हर कार्रवाई असंवैधानिक थी। उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को इतना ही कहा कि इतना ये जो है उसके तहत कार्रवाई करने की एक उनका निर्देश था, एक प्रकार का उसका अमल विधानसभा के अध्यक्ष ने नहीं किया। फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, चलने दी सरकार। एक सांसद झूठा अपना जाति का प्रमाण पत्र देकर चुन कर आए, 5 वर्ष तक केस लटकाते हो जब झूठा है मालूम है दुनिया को, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय भी दिया था, फिर भी आप लोग प्रलंबित तारीख पे तारीख 5 वर्ष बजा कर लो, झूठे प्रमाण पत्र पर सांसद बन कर आओ, न्यायिक व्यवस्था आपको न्याय नहीं देगी। ये तो हमारा आपका काम है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना संविधान खतरे में है। सर इसको ही जोड़ के दूसरा सवाल है कि जो पर्सनल अटैक्स हो रहे आजकल, कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने सीधा देवेंद्र फडणवीस के पत्नी पर कुछ टिप्पणी की है, क्या आप ऐसे? मैं इनका समर्थन ऐसे किसी भी महिलाओं के बारे में समर्थन नहीं करता। वो अपने अपने घर की बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम महाराष्ट्र में एक संस्कृति है हमारी, उस संस्कृति को छोड़कर हमने कभी बात नहीं की, न करेंगे न करने देंगे, ना उसका समर्थन करेंगे। सर आखिरी सवाल, कुछ देर पहले अभी खासदार राहुल गांधी जो सांसद है लोकसभा में, उनकी भी बैग चेक की गई थी। शुरुआत जो है वो उद्धव ठाकरे से हुई थी, उद्धव ठाकरे ने खुद इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, उसके बाद बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस के बैग का वीडियो पोस्ट किया। सब बोगस लोग हैं यार, पैसा बांटकर कब हुआ, अब बैग चेक कर रहे हो तुम लोग उसकी? भाई 50 कोको का जो नारा महाराष्ट्र में लग रहा है वो कौन किसके किनके बारे में लग रहा है? इन्हीं लोगों के बारे में लगता है ना नारा, तो तब कहते हैं लोग सब, एक एक की प्रॉपर्टी जाकर देख लो ना, ईडी वाले सोए हैं क्या? पिछले 1 वर्ष में कितनी प्रॉपर्टी, अरे भाई विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन के पास करोड़ों रुपए प्राप्त मिले, इनकम टैक्स की रेड हुई, 20 महीने में 48 प्रॉपर्टी ली, उसका स्वागत करके टिकट दे दिया उसको। आरोप आप ही लगाते हो, तो वो तो प्रधानमंत्री से सीख लिया है उन्होंने। प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ कहा, और 8 दिन के अंदर अजित पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर सरकार में बैठे, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने। तो फिर उनके चेले क्या करेंगे? चेले वही काम करते, इल्जाम लगाते, डराते, डर कर उनके पास आ गया, सब गुनाह माफ है, कोई गुनाह नहीं हुआ, अब क्लीन चिट देना बाकी है। वो तो अजित पवार साहब को दे दिए, बाकी लोगों को दे देंगे थोड़ी देर में। सर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी क्या, और कितने सीट आएगी महाराष्ट्र में? आंकड़ा क्यों, सत्ता आ रही है हमारी, सत्ता हमारी आएगी 100% महाविकास आघाड़ी की सरकार मार्च में आ रही है। धन्यवाद सर हमारे से बातचीत करने।